हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन सेट्स एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। नीचे जो आपको एग्जांपल दिए हुए हैं आपको बताना है कौन सा वो नल सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। ये सेट किसका है? ओड नेचुरल नंबर का है। ठीक है, जो कि डिविजिबल है किससे? टू से। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर क्या होता है। तो लेट ए इक्वस टू 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सेट है किसका? ओड नेचुरल नंबर का। क्वेश्चन में साथ में क्या बोल रहा है कि टू से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है जो टू से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका सेट है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, तो उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो टू से डिवाइड हो। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? इज अ नल सेट। तो ये आपका एग्जांपल नल सेट का होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको देखिए, पहले सेट लेट, हम यहाँ पर इवन प्राइम नंबर का सेट लेट करते हैं। ठीक है, तो केवल आपका टू जो है, देखो प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? 2, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी, वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर केवल टू ही एक इवन प्राइम नंबर है ना, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एलिमेंट है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, तो उसका मतलब ये क्या है? नल सेट नहीं है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपका? ये एग्जांपल नहीं है किसका? नल सेट का। नॉट अ नल सेट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है ना, और नल सेट के लिए क्या कंडीशन है? कि एक भी एलिमेंट ना हो। थर्ड पार्ट देखिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो लेस है किससे? 5 से, और साथ साथ एक कंडीशन और दीजिए कि x ग्रेटर देन 7। तो पहले हम इसका एक सेट बना लेते हैं। नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लेस है ना 5 से, तो 4 आएंगे, 4 तक आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट आ गए। साथ साथ इसमें बोला कि x ग्रेटर देन 7, तो x तो यहाँ पर 7 से बड़ा है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सिमल्टेनियसली लेस भी हो रहा है 5 से और ग्रेटर भी 7 से हो रहा है, तो एक साथ दो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, है ना। एक तरह से लाइन है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो x जो है 1 से लेकर यहाँ तक गया आपका 4 तक। ठीक है, अब ग्रेटर देन 7, 7 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये 5 से लेस है, 5 से लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा आपके पास, है ना। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? नल सेट हो जाएगा ये भी आपका। इट इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। नेक्स्ट देखिए, 4, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना है कि आपके पास जो सेट है वो किसका है? पैरेलल लाइंस का सेट है। इस तरह से पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वाई क्या है? एक पॉइंट है, कॉमन है जो कि, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस में। तो टू पैरेलल लाइंस में कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका? नल सेट होगा।
ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, इज अ नल सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका जो सेट आएगा उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होगा ऐसा जो कॉमन होता है पैरेलल लाइंस में. क्वेश्चन नंबर टू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें आप काउंट कर सके एलिमेंट्स को, और इनफाइनाइट जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट होते हैं. तो देखिए फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर. अब मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, है ना, जनवरी फरवरी, जैसे जनवरी फेब मार्च डॉट डॉट, है ना, दिसंबर, तो ये सभी क्या है, काउंटेबल है, आप इनको काउंट कर सकते हैं. तो ये क्या आपका सेट होगा, फाइनाइट. फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. अब ये देखिए नेक्स्ट, वन टू थ्री, और थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स का मतलब होता है इन्फिनिटी तक जा रही है ना, इनफाइनाइट है, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट. यहाँ देखिए वन टू थ्री, और लास्ट एलिमेंट भी ग्रीन है आपको 100, ठीक है, वन से 100 तक है, तो ये तो काउंटेबल है. काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा. नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये सेट आ जाएगा जैसे 101, 102, 103 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि 100 से बड़े इंटीजर्स हुए हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो तो इन्फिनिटी तक हैं, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इन्फाइनाइट सेट. फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है, लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, ये एक्स मान लीजिए प्राइम नंबर आपका, जो कि 99 से छोटा है, तो 99 से छोटे तो प्राइम नंबर आप क्या काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 1, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, और अप टू कहाँ तक जाएगा, 99 से लेस, यानी 97, ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को, तो फाइनाइट सेट है ये भी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. अभी देखो मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था फाइनाइट और इनफाइनाइट, ऐसे ही आपको यहां पर भी बताना है, ठीक है. द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब देखिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये सभी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और इस तरह से आप इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट. सेकंड पार्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो आपके लेटर होते हैं 26 हैं, कितने होते हैं 26 टोटल, ए बी सी डी एफ, ठीक है, इस तरह से ए बी सी और ये लास्ट जेड, तो ये सभी काउंटेबल है, तो ये आपका सेट कहलाएगा फाइनाइट. थर्ड देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, तो ये सेट इस तरह से होगा आपका 5, 10, 15, 20, 25 up to infinity, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, मल्टीपल्स तो आप कितने ही निकाल लीजिए, इनफाइनाइट है, तो ये सेट कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स जो कि अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, उनका सेट बनाना है, तो देखो
कितने भी एनिमल्स हों वो आप सभी काउंट कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो इट इज़ अ क्वाइट अ बिग नंबर, ये बहुत बहुत ज़्यादा बिग है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट। फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, सेट ऑफ सर्किल्स बताना जो कि ओरिजिन से पास होता है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक सर्किल इस तरह से पास हो जाएगा, दूसरा सर्किल इस तरह से पास हो जाएगा, थर्ड इस तरह से, फोर्थ इस तरह से, इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सर्किल्स को पास कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से, ओरिजिन से, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको बताना है कि ए सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के, ठीक है। तो सेट ए और सेट, आपके पास अगर कोई भी दो सेट हैं वो इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एलिमेंट सेम हो, ठीक है। जैसे आपके पास ए कोई ये इस तरह से ए सेट है 1 2 3, और बी सेट आपके पास 2 1 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी इसमें हैं सेम इसमें होने चाहिए, और सभी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, सेम है ना। तो ये कहलाते हैं इक्वल सेट। अब यहाँ देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट आपको ए दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। एक सेट ये दे दिया और बी दे दिया डी सी बी ए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट ए और ये लास्ट एलिमेंट ए दोनों सेम है, ये सेकंड एलिमेंट बी, ये थर्ड एलिमेंट बी, ये भी सेम है, और ये थर्ड सी और सेकंड सी सेम है, ये भी डी और ये भी डी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आप इक्वल होंगे, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल है ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो दोनों सेट क्या होंगे, फर्स्ट ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, ए सेट दिया हुआ है 4 8 12 16, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 8 4 16 और 18। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का एलिमेंट 4 इसके इक्वल है, 8 बी के इक्वल है, 12 जो है वो सेट ए में है, 12 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ठीक है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसका मतलब जब डिफरेंट हो गया एलिमेंट, है ना, तो डिफरेंट हो गया इसका मतलब इज 8 नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ 2 4 6 8 10, और यहाँ पर जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव है इवन इंटीजर है, और लेस देन इक्वल्स टू 10। तो पहले हम इसका यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट। ए आपका दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक है, और जो बी है सेट बी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर 2 से स्टार्ट होंगे आपके, 2 4 6 8 10, क्योंकि एक्स जो है देखो 10 के इक्वल है ना, लेस है और इक्वल है, तो 10 तक आएगा आपका यहाँ पे। और आप कंपेयर कर दीजिए, सेम एलिमेंट है ना, तो यानी कि इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी सेट बी, ठीक है। फोर्थ देखिए, ए आपको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल, ये मल्टीपल है ना, किसका, 10 का मल्टीपल है, और इधर सेट बी दे रखा है आपको रोस्टर फॉर्म में 10 15 20 25। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू, तो यहाँ से मल्टीपल है 10 के, है ना, तो फर्स्ट 10 आ गया, फिर 20 30 40,
अप टू इन्फिनिटी, और जो बी दिया हुआ है आपको 10, 15, 20, 25 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट देखो, यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ पर देखो ये सेट बी में 15 है, 15 बिलोंग्स कर रहा है सेट बी में, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 15 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ सेट है ये इक्वल है, ठीक है, और रीजन भी बताना साथ में। तो यहाँ पर देखिए ए दे रखा है आपको 2, 3, बी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, तो यहाँ से हम इसके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए ए इक्वल्स टू 2, 3, बी के लिए मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ये जो है एक्स क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 5 को ब्रेक कर लिया मैंने, ठीक है, 3 और 2 में ये आ गया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 3, तो b इक्वल्स टू सेट होगा आपका वो किसका होगा, x के सॉल्यूशन का, तो माइनस 2 और माइनस 3 आएंगे उसमें केवल। अब आप कंपेयर कर दीजिए सेट ए को, देखो यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 3 है, तो देखो 2 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका ये इक्वल नहीं है। सेकंड का देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है, और वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वर्ल्ड। तो पहले हम सेट इसको सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेकंड का देखिए, ए इक्वल्स टू एफ आएगा आपका ओ, ठीक है, सिंगल केवल एल आएगा, दो बार यहाँ पर, एक बार लेंगे हम, और ओ भी रिपीट हो रहा है इसको छोड़ देंगे, डब्लू, ठीक है, सेट बी में डब्लू ओ एल एफ, ठीक है। तो कंपेयर कर लो पहले, यहाँ एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ एल है, यहाँ पर भी एल, यहाँ डब्लू, यहाँ भी डब्लू, सेम एलिमेंट जो ए के हैं सेम एलिमेंट वो किसके हैं, बी के हैं, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये वाला जो होगा आपका ए इक्वल्स टू बी होगा सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, सॉरी सिक्स क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको अगेन देखो इक्वल सेट्स आपको फाइंड करने हैं कि कौन कौन से इक्वल हैं आपस में, तो पहले हम ए से कंपेयर कर देते हैं सभी को, है ना, फर्स्ट हम सेट ए को सभी से कंपेयर कर लेते हैं। तो 2, 4, 8, 12, अब आप देखिए 2, 4, 8, 12 कहाँ पर हैं, तो ये तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बी से आ जाइए, बी को सबसे कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यस, बी और डी इक्वल हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, 3, 3, यहाँ 4, यहाँ 4, और किसके साथ, तो यानी कि आपका सेट बी और डी इक्वल है, ठीक है। अब आप सी को कंपेयर कर दो सभी के साथ, 4, 8, 12, 14, तो ये भी किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं, ये तो हो ही गया आपका, ठीक है। अब ई पार ई वाला देखिए, -1 और 1, तो -1 और 1, हाँ यहाँ आपका ई और जी, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल होंगे, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ई आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट जी। और आपका फिर इसके बाद एफ और एच, नहीं एफ और एच भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास केवल ये दो पेयर आ गए, बी और डी और ई और जी, ठीक है, तो ये दो सेट आपस में इक्वल है। ओके, थैंक यू।